Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. यूहन्ना ने रचित सुसमाचार पांच अध्याय से हम सीखते हुए आ रहे हैं. पांच अध्याय के पहले भाग में 38 वर्ष से बीमार एक व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं और वो चंगा किए जाने का कारण वो शब्द के दिन यीशु ने उसको चंगा किया, जिसके कारण यहूदी अगवे लोग उनसे पूछता है, तुझे कौन चंगा किया था? उसने कहा, कौन चंगा किया नहीं मालूम, तो खाट को क्यों उठाया? बोला, जिसने चंगा किया उसने बोला खाट उठाओ, इसलिए खाट उठाया. और आगे यीशु मसीह उनसे मुलाकात करता है और उनसे कहते हैं, आगे पाप न करें ताकि इससे भारी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े. और उसके बाद यीशु मसीह अपना अधिकार, जो यीशु मसीह ने जो किया वो किस अधिकार से किया है, तब यीशु ने कहा कि परमेश्वर मेरा पिता है, इसका मतलब मैं उनका पुत्र हूँ. जब यीशु ने ये बातें कहा कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य किया है, जिसके कारण यहूदी उनको मार डालना चाहा, तब यीशु अपना अपना ईश्वरत्व, जो अधिकार उसने जताया वो क्यों है, इन बातों को वहाँ प्रमाणित करता है और कहता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ. और पुत्र को परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया, यहाँ तक न्याय करने का अधिकार भी किसको दिया है? पुत्र को दिया. और पुत्र के द्वारा लोग जिलाए जाएंगे. चार पुनरुत्थान वहाँ पाए जाते हैं. पहला, एक व्यक्ति जो पाप में मरा हुआ है वो मृत्यु को, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करने का, अर्थात मृत्यु से दिए जाने वाला या पाप रूपी, पाप के कारण आने वाला अनंत काल का नरक का रूपी, नरक रूपी जो मृत्यु है उससे मिलने वाला पुनरुत्थान. दूसरा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, वो मरे हुए में से जी उठने का ताकत स्वयं रखता है. तीसरा, मरे हुए लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका पुनरुत्थान. चौथा, जो दुष्ट लोगों को जिलाकर उन्हें न्याय करने का अधिकार, अर्थात उनको भी पुनरुत्थान देने का अधिकार. ये बातें 24 पद से लेकर वो 29 पद तक वो कहता है. अर्थात चार प्रकार का पुनरुत्थान उस भाग में लिखा है. एक, पापी मनुष्य का पाप से मिलने वाला छुटकारा हुई पुनरुत्थान, जो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना, जिसके बारे में 24 पद में लिखा है. और 26 पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मरे हुओं में से जी उठने का उनका स्वयं का पुनरुत्थान. और 28 और 29 पदों में जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भलाई किए वे लोग प्रतिफल पाने के लिए जो जी उठ कर आते हैं, और जो अधर्म का काम किया वो दंड पाने के लिए जी उठ कर आएंगे. ऐसे चार पुनरुत्थान उस भाग में वर्णित करता है. आगे पढ़िए 30 पद से लेकर. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ. यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है. तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले. वह जो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है अर्थात यही काम जो मैं आज करता हूँ वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है. तुमने न कभी उसका शब्द सुना न उसका रूप देखा है,
और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? अब 30 पद से लेकर जो खंड है, जो भाग है, वह यीशु मसीह उनके बारे में गवाही देने वाले चार लोगों के बारे में कर है। यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाले चार लोग। गवाही शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कई बार यह शब्द उपयोग किया, 46 बार 46 टाइम्स इसमें गवाही शब्द उपयोग किया है। गवाही शब्द केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में 47 बार यह शब्द उपयोग किया। अब यीशु मसीह का गवाही देने वाले चार लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयंकार है। उसके पहला खंड में यीशु मसीह पुनरुत्थान है या लोगों को मरे हुए में से जिलाने की सामर्थ्य यीशु में रखता है। उससे पहले कहा पिता लोगों का न्याय करने का अधिकार पुत्र को दिया, और पुत्र जो करता है वो पिता जो करता है वही करता है। इन बातों को कहने के बाद यीशु मसीह के पास ये अधिकार है। ये बातों का गवाही देने वाले चार बातें या चार लोगों के बारे में वहां कहता है। 30वां पद, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। फिर से यूहन्ना, यीशु मसीह स्वयं कोई काम नहीं किया बल्कि पिता की इच्छा को पूरा किया। जिसने उसको भेजा है उसकी इच्छा को यीशु ने पूरा किया। ये बातें बार बार कह रहा है यीशु, जो स्वयं कहा है उस बातों को वो कह रहा है। वो कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु कह रहा है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? पिता ने जो कहा वही करूंगा, मैं उसके लिए भेजा है। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर होने के पास कारण उसमें ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं कर सकता है क्या? उसने जब कहा आकाश हो गया, पृथ्वी हो जाए, हो गया, सारी सृष्टियां उसके कहने पर हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब वो अपनी इच्छा पूरा कर सकता था, लेकिन जब यीशु पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं किया बल्कि जिसने उनको भेजा उस पिता की इच्छा को पूरा किया। इसलिए वो पिता से प्रार्थना किया, इसलिए पिता की इच्छा को जाना। मैंने कई बार आज भी इस बात को कहा, उसका उदाहरण यीशु स्वयं कुछ नहीं किया बल्कि पिता जो बोला वही किया। सब इस अध्याय, इस पुस्तक में पाया जाने वाला पहला आश्चर्य कर्म, जो पानी को दाखरस में बना रहे हैं, उसके लिए यीशु मसीह की माता मरियम जब उनसे कहते हैं दाखरस नहीं रहा, तब पहले यीशु क्या कहता है? मेरा समय आया नहीं। लेकिन तुरंत बाद वो काम करता भी है। क्यों ऐसा? पहले बोला ना मेरा समय नहीं आया, उसके बाद तुरंत क्या क्यों करता है? क्योंकि जब यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया तब तक पिता ने उनसे उस घर में
वो काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन माता मरियम जब यीशु से ये बातें कहा और यीशु उत्तर देने के बाद तुरंत पिता ने बोला यह करो, इसलिए यीशु ने यह काम कर लिया है। अर्थात यीशु पृथ्वी पर जब जीवित रहता था तब पिता परमेश्वर की टाइम टेबल के अनुसार चला है। हेलो, टाइम टेबल जो निर्धारित किया था कौन? पिता। उसकी इच्छा उसने पूरा किया। या फिर से वो कहते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। कहाँ से सुनता? पिता से सुनता है, उसके अनुसार न्याय करता हूँ। और मेरा न्याय सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि पिता ने जो कहा वही करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। फिर से वो कार्य मुझे भेजने वाला, मुझे भेजने अर्थात पिता प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा है? पिता ने भेजा, उसकी इच्छा को वो पूरा करता है। 31 पद, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दे तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। यदि मैं स्वयं अपना गवाही दे तो हो सकता है तुम लोग उसको क्या ना करें, ग्रहण ना करें। तुम लोग सोचेगा कि यह सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यीशु ये बातें कह रहे हैं लोगों के सामने, यीशु मसीह उनके समान एक मनुष्य है। हेलो, लोगों के सामने यीशु मसीह अन्य लोगों के समान एक मनुष्य, जिसके सामने यीशु अपने आप को प्रकट किया, जैसा सामरी स्त्री के सामने यीशु ने प्रकट किया मैं मसीहा हूं, वो जाकर गांव वालों को बताया, वे भी समझ गया। तो कुछ ही लोग ही ये बात को जान सका, यीशु मसीह के चेले ऐसा कुछ ही लोग ही यह बात को जान सका है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। बाकी लोगों के सामने यीशु मसीह कौन है? केवल एक मनुष्य है। तो वो अपने आप को कहें कि मैं परमेश्वर हूं या परमेश्वर का पुत्र हूं, वो गवाही लोगों के लिए सच्चा नहीं ठहरेगा। इसलिए ये कह रहा है कि मेरे गवाही और कोई देता है, एक और है, 32वां पद, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्ची सच्चाई की गवाही दी है। यीशु मसीह कह रहे हैं और एक गवाह है। कौन है वो गवाह? एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वो देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। पहले यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाला कौन है? कौन है? यूहन्ना। क्यों पहला नंबर में आया? यीशु मसीह सेवा आरंभ करने से पहले ही यह यूहन्ना काम करना आरंभ किया था। यीशु मसीह के पहले उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ व्यक्ति था वो। उसने यह काम आरंभ किया, आरंभ में कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। लोग उनके पास आया, उनको बपतिस्मा दिया, लेकिन उनको यह भी बोला मैं मसीहा नहीं हूं, एक आ रहे मेरे पीछे, वो मुझसे शक्तिशाली है, वो लोगों को, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूं लेकिन वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब वो यीशु जब आया, यीशु मसीहा जब आया, यह यूहन्ना कई बार बोला देख परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ने गवाही दिया और यीशु मसीह यूहन्ना अपने चेलों के सामने गवाही दिया। यह कौन है? परमेश्वर का मेमना है। तो दोनों चेला कौन? अंद्रियास और यूहन्ना किसके पीछे हो गया? यीशु मसीह के पीछे। यह यूहन्ना कई बार लोगों के सामने यह गवाही दिया। हम पहला अध्याय से लेकर कई बार यूहन्ना की गवाही पाए जाते हैं, पहला अध्याय में कई बार, और उसके बाद कौन सा अध्याय में? हेलो, कौन सा अध्याय में?
तीसरा अध्याय में यूहन्ना फिर से क्या दे रहा है? तीसरा अध्याय में क्यों दे रहा है? जो क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना से ज्यादा लोगों को क्या दे रहा था? यीशु मसीह नहीं दे रहे थे, यीशु मसीह चेले दे रहे थे। तो कोई एक फरीसी यहूदी जाकर यूहन्ना को बोला, जिसके बारे में तूने बताया वो तुमसे ज्यादा लोगों को क्या दे रहे हैं? बत्तीसवां दे रहे। एक प्रकार से ये यूहन्ना को थोड़ा स्क्रू कर रहा था ताकि उसको क्या कर दो, रोको। तो यूहन्ना ने क्या बोला, मैं घटूं वो बढ़े, क्योंकि मैं उसका जूती खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे लिए गवाही देने वाला कौन है? यूहन्ना। उसने तुम्हारे सामने मेरा गवाही दिया, वो गवाही सच्ची है, क्योंकि यूहन्ना उसके लिए भेजा हुआ व्यक्ति था। इसलिए कहा यूहन्ना ने, और तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। यूहन्ना से पूछा, पूछवाया लिखा, मतलब हम बाला पद में देख रहे हैं, बाला अध्याय में देख रहे हैं, यरूशलेम से नेता लोग यहूदियों को भेजा यूहन्ना से पूछने के लिए, नहीं है क्या? तब उसने बोला था, मैं कौन नहीं, मसीहा नहीं। पूछे, ये लिया है क्या? बोला नहीं। वो भविष्यद्वक्ता है क्या? कौन सा भविष्यद्वक्ता? इसके बारे में मूसा ने बोला, वो बोला मैं वो भी नहीं हूँ, मेरे पीछे आ रहा है वो जिसको तुम ढूंढते हो, वो मसीहा है। तो यूहन्ना गवाही दिया था। 34वां पद, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। यीशु कह रहे हैं, मेरे बारे में कौन कौन गवाही देता है ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हेलो, मैं कौन हूँ इसके लिए कौन कौन गवाही दे रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर कितने गवाह हैं? ये बातें क्यों कह रहे हैं? तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। यीशु मसीह के बारे में गवाही कौन कौन दे रहा है ये बातें यीशु कह रहे हैं, कहने के बाद कह रहे हैं, ये कहने की जरूरत मुझे नहीं है। फिर क्यों कह रहे, इतने लोग मेरे बारे में गवाही दे रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं तुम्हें क्या मिले, उद्धार मिले। इसका मतलब ये लोग मेरे बारे में विश्व गवाही दे रहा है, ये बात सुनकर तुम मुझ पर विश्वास करें जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सके। इसलिए यीशु कह रहे हैं, मेरे बारे में कौन कौन गवाही देता है यह तुमको बता रहे हैं। मेरे लिए जरूरत नहीं है किसी की गवाही, मैं किसी मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। यूहन्ना कौन है? मनुष्य। मैं उसकी गवाही नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे बारे में गवाही दे रही, मैं इसलिए कह रहा हूं तुमको क्या मिले, उद्धार मिले। कैसे? तुम वह लोग मेरे बारे में गवाही कह रहे ये सुनकर मुझ पर विश्वास करें और तुमको उद्धार मिल सके। हिंदी स्वपद, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। आप क्या कह रहे हैं? यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं, 35वां पद, वह तो जलता हुआ, जलता और चमकता हुआ दीपक था। कौन? यूहन्ना। वो एक दीपक था। कैसे? जलता और चमकता हुआ दीपक। लेकिन और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, जो यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया, उस यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, वो कौन था? जलता और चमकता हुआ दीपक। और आगे कहते हैं, कुछ देर तक तुम लोग उसमें कौन था? मगन था। कितना देर तक? कुछ देर मतलब
कुछ समय तक अर्थात आरंभ के कुछ समय तक, क्यों? क्योंकि यूहन्ना एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया, किसी का सिर दर्द भी उसने ठीक नहीं किया, लेकिन उसका प्रचार में इतना ताकत था, हजारों यहूदी लोग जो चाहता था, सोचता था हमको कभी बपतिस्मा लेना ही नहीं, बपतिस्मा अन्य जातियों को है, ये लोग विश्वास करके यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि वे यहूदी कुछ समय तक यूहन्ना में कौन थे, मगन था। यूहन्ना की वो बातें, यूहन्ना की वो प्रचार, यूहन्ना की वो सेवा उनको कुछ लोगों कुछ समय के लिए अच्छा लगा, लेकिन फिर, लेकिन कुछ समय के बाद क्या नहीं लगा है, अच्छा नहीं लगा। कैसे मालूम? यूहन्ना को हेरोदा राजा पकड़कर क्या कर दिया, बंदीगृह में डाला, आखिरी में उसका गला भी क्या कर दिया, उसका गलत काम के बारे में बोला, इसलिए उसको पकड़ कहाँ डाला, बंदीगृह में डाला, उसके बाद उसका गला भी क्या कर दिया, काट दिया। कौन काटा है? हेलो, कौन काटा? यहूदी नहीं है, यहूदी का उसमें कोई हाथ ही नहीं है, हेरोदेस राजा मारा है उसको। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है वह चमकता हुआ दीपक जरूर था, तुम लोग उसमें कुछ देर तक मगन था, उसके बाद मगन नहीं था। क्या है यह? यूहन्ना को मार डालने वाला हेरोदा राजा था, लेकिन वे कुछ देर तक आरंभ में उसमें मगन था, लेकिन यहूदी कोई भी वो यूहन्ना को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। हेलो, यदि वे इस यूहन्ना में जो चमकता हुआ दीपक है उसमें और भी मगन होते रहना चाहता तो पक्का जाता हेरोदेस राजा के पास, कहता वो हमारा अगुआ है, वो हमारा नेता है, उसको क्या कर दो, छोड़ दो। हेरोदेस छोड़ता, क्योंकि यहूदी उस समाज उस देश में उस वक्त प्रभावशाली लोग हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोमन सरकार साथ क्यों दिया? यहूदियों को खुश करने के लिए था। इसका मतलब यूहन्ना जब बंदीगृह में डाले गए तब यदि यहूदी जाकर हेरोदेस से कहता कि उसको छोड़ दे तो छोड़ देता, लेकिन ये लोग गया नहीं। क्यों? कुछ देर तक उसमें मगन था, आगे उनको क्या कर दिया, वो छोड़ दिया, क्योंकि वे आगे उसमें मगन होना नहीं चाहा। इसलिए यीशु ने कहा वह चमकता हुआ जलता हुआ दीपक था जिसमें तुम थोड़ी देर या कुछ समय तक मगन रहा है। अब पहला गवाह जो था वो कौन है? हेलो, यीशु मसीह का पहला गवाह कौन है? और यीशु मसीह का पहला गवाह यीशु मसीह के लिए, मेरे लिए इतने लोग गवाह है। यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं? अपने लिए नहीं है, कहता मेरे कोई मनुष्य की गवाही की जरूरत है नहीं है, तो फिर किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। मतलब इतने लोग मेरा गवाही दे रहा है, यह सुनकर तुम लोग मुझ पर विश्वास करें और तुम्हारा क्या हो जाए, क्योंकि उद्धार पाना है तो मुझ पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना। इसलिए पतरस जब अगवे लोग पकड़कर पूछा, बोला तुम लोग कौन सा सामर्थ्य ये काम सब करते हैं, बोला यीशु नाजरी जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था उसके नाम से हम प्रचार करते हैं। आगे कहा आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, यीशु का नाम। अर्थात उद्धार मिलना है तो कौन चाहिए? यीशु चाहिए। इसलिए तुम लोगों को ये बात बता रहा हूं, गवाह कौन कौन दे रहा है मेरे गवाही। पहला यूहन्ना गवाही दिया, 36वां पद, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। अगला गवाही, पहला गवाह कौन है? यूहन्ना। अब आगे कह रहे उससे भी बड़ी गवाही है मेरे पास। क्या है वो बड़ी गवाही? क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं
वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। तो दूसरा गवाह कौन है? हेलो, दूसरा गवाह कौन है? मेरे द्वारा जो काम हो रहा है ये इस बात का प्रमाण है कि मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। इसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा की गई सारा आश्चर्य कर्म, यीशु मसीह के द्वारा पिता ने जो कुछ काम करने के लिए कहा, वह काम जो यीशु कर रहे हैं, यह सारा काम मेरा गवाह है। पहला गवाह कौन है? यूहन्ना। दूसरा गवाह कौन है? यीशु मसीह के द्वारा किए गए काम। यूहन्ना यद्यपि यीशु मसीह का ज्यादा आश्चर्य कर्म के बारे में लिखा नहीं, कितना आश्चर्य कर्म लिखा है? और से बोलिए ना, 7 आश्चर्य कर्म। क्या क्या है? पाला कौन सा है? काना के घर में पानी को दाकृष्ण बदलना। दूसरा, राज कर्मचारी के बेटे को चंगा करना। तीसरा, 5,000 लोगों को खाना खिलाना। चौथा, पानी पर चलना। छठवा, 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को चंगा करना। उससे पहले एक है जो ऑलरेडी हो चुका है, बैतसैदा का कुंड में पड़ा हुआ व्यक्ति को भी क्या कर दिया? चंगा किया। और 7वां कौन सा है? कौन सा? लाजर को जिंदा करना। यीशु कह रहा है जो काम, याद रखिए यूहन्ना जो बोला है इसके अलावा और भी आश्चर्य कर्म यीशु ने किया है। निकुदेमुस यीशु के पास क्यों गया? क्योंकि उस वक्त फसह का पर्व में जाते वक्त यरूशलेम में जो आश्चर्य कर्म किया वो देखकर वे लोग क्या किया? विश्वास किया। और यरूशलेम से वापस आकर यीशु मसीह गलील में क्यों आया? क्योंकि गलील से कई लोग वहां पहुंचा था। कहां? यरूशलेम में, पर्व में। वे लोग यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखा था, इसलिए उन पर विश्वास किया। इसलिए यीशु मसीह वहां से कहां पहुंचा है? गलील में पहुंचा। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जो काम किया हूं या कर रहा हूं वो मेरा गवाह है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। पहला गवाह कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। दूसरा गवाह कौन है? मेरे द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा किए गए हर एक आश्चर्य कर्म इस बात का गवाह है कि वो परमेश्वर के पिता की ओर से भेजा गया है। संधि स्वपद, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तीसरा गवाह कौन है? हेलो, तीसरा गवाह कौन है? स्वयं मेरा पिता, उसने बोला यह मेरा बेटा है। हेलो, पहला गवाह कौन है? यूहन्ना। दूसरा गवाह कौन है? यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म। तीसरा गवाह कौन है? स्वयं पिता जिसने मुझे भेजा है। कैसे मालूम? यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया तब लिखा आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर आया और एक आकाशवाणी हुई। क्या कहता है? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत, कौन कह रहा है? पिता। इसका मतलब पिता ने क्या दिया है? गवाही दिया है यह मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है। तो कितना गवाह हो गया? 3 गवाह हो गया। पहला कौन? यूहन्ना। दूसरा कौन? यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म। तीसरा कौन? स्वयं पिता जिसने उसको भेजा है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। कहता है तुमने न कभी उसका शब्द सुना। किसका? किसका? पिता ने जिसको मुझे, उसने मुझे भेजा उसका कभी कभी उसका शब्द नहीं सुना और न उसका रूप देखा है। परमेश्वर का शब्द वे लोग सुना नहीं है। कहता तो है हम परमेश्वर का शब्द सुनते हैं,
लेकिन सुना नहीं, परमेश्वर का रूप वे देखा नहीं है। परमेश्वर की, कोई परमेश्वर को देख सकता है क्या? हेलो, कल मैंने कहा था, कोई परमेश्वर को देखा है क्या? कोई नहीं देखा, यहां तक मूसा भी नहीं देखा। देखा है क्या? हेलो, मूसा परमेश्वर को देखा है क्या? नहीं देखा। मूसा के बारे में परमेश्वर कहता है, मैंने उनसे आमने सामने क्या करता हूं, बात करता हूं। लेकिन वही मूसा एक बार परमेश्वर को कहता है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने क्या बोला? तू मुझे देख नहीं सकता है। लेकिन जबरदस्ती किया तो बोला, एक चट्टान के बीच में खड़े हो जाओ, मैं ऐसा ही चले जाऊंगा। पीठ दिखाकर चले गया तो भी वो क्या हो गया, वो नज़ारे से भी वो भयभीत हो गया था। इसका मतलब कोई परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे, जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पिता को, अर्थात परमेश्वर को देखा है। यद्यपि वे कहते हैं वे परमेश्वर के हैं, यद्यपि वे कहते हैं वह परमेश्वर का रूप चाहते देखना चाहते हैं, वे परमेश्वर का रूप कभी नहीं देखा। 38 पद, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम उसका सुनता नहीं, उसको देखा नहीं, और उसका वचन को मन में स्थिर रखता भी नहीं। इसलिए क्या होता है, उसने जिसको भेजा उसको भी तुम लोग क्या नहीं करते हो, सुनते नहीं, ग्रहण नहीं करते। कौन है वो? यीशु मसीह। इतना गवाह होने के बाद भी वे यीशु मसीह पर क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। आगे 39वां पद में चौथा गवाह, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो चौथा गवाही गवाह कौन है? कौन है? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र में तुम लोग ढूंढते हैं। हेलो, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं, और जिस पवित्र शास्त्र में तुम लोग ढूंढते हैं ना, वो मेरा गवाह है। इसका मतलब पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है। पवित्र शास्त्र में कहां लिखा है? हेलो, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितनी पुस्तकें हैं उन सारी पुस्तकों में यीशु मसीह मिलेगा। हेलो, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितनी पुरानी नियम की पुस्तकें मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था हो या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हो, उन सारी पुस्तकों में यीशु मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा। सबसे पहले इसके बारे में पवित्र शास्त्र में कौन बताया? हेलो, ये यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले पवित्र शास्त्र में कौन बताया था? स्वयं परमेश्वर बोला। हेलो, सबसे पहला इतिहास का सबसे पहला भविष्यवाणी वो इनके बारे में था, और इतिहास का सबसे पहला भविष्यद्वक्ता वो कौन था? परमेश्वर। जब आदम पाप किया, मनुष्य जाति पाप के अधीन हुआ, परमेश्वर उतर आया, आदम से पूछा, तो वो काम किया है क्या जो मैंने नहीं करने के लिए कहा? उसने पत्नी पर डाला, पत्नी से पूछा तो पत्नी क्या कहती है? सर्प ने क्या कर दिया है? बहकाया। तो सर्प की ओर मोड़कर परमेश्वर एक घोषणा करता है, क्या कहता है? स्त्री का संतान सर्प के सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को धसेगा। कौन है यह स्त्री का संतान? प्रभु यीशु मसीह। अर्थात पवित्र शास्त्र में आप पहला पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन का पवित्र शास्त्र का पहला पुस्तक में पहला भविष्यद्वाणी, इतिहास का पहला भविष्यद्वाणी इसके बारे में था। और पहला भविष्यद्वक्ता कौन था? स्वयं परमेश्वर। कहां? जिस स्थान पर मनुष्य पाप किया, उसी एदन की वाटिका में, उसी जगह पर खड़े होकर स्वर्ग का परमेश्वर अपना पुत्र के बारे में भविष्यद्वाणी किया कि वो आएगा जिसके द्वारा मनुष्य जाति पाप से बच जाएगा। तब से शुरू हुआ इसके बारे में
भविष्य पवित्र शास्त्र में लिखना, मलाकी की पुस्तक तक हर पुस्तक में एक प्रकार से हर पेज में ये मसीहा पाए जाते हैं, अर्थात इसके बारे में पाए जाते हैं। यीशु ने कहा चौथा गवाह कौन है? पवित्र शास्त्र। उसमें तुम ढूंढते हो, ठीक से और ढूंढो, मिलेगा। कौन मिलेगा? मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है। यीशु चार लोग उनके लिए जो गवाही दे रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं। पहला कौन? और से बोलिए ना। दूसरा कौन? यीशु के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्म। तीसरा स्वयं पिता परमेश्वर। चौथा पवित्र शास्त्र। ये चारों गवाह है कि यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है। यह गवाही क्यों दिया? यीशु मसीह को किसी की गवाही नहीं चाहिए, तो फिर किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम क्या पाए? उद्धार पाए। या 40वां पद, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मेरे बारे में भविष्य दस्ताओं की पुस्तक पवित्र शास्त्र में लिखा है। तुम उनको ढूंढते हैं लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं आते। वो पवित्र शास्त्र गवाही देता है मेरे बारे में, तो भी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हैं। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्यों वे यीशु को ग्रहण नहीं किया? क्यों वे इन गवाहों की गवाही को माना नहीं? एक ही काम, वे परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। हेलो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानेगा। हेलो, परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो क्या करेगा? उसकी आज्ञाओं को। कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है या आप जिनसे प्रेम करते हैं, वो कुछ भी कहेगा करेगा? नहीं करेगा। हेलो, नहीं करेगा क्या? शादी होकर एक दो हफ्ता कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है? भयंकर प्यार है। तो वो जो बोलेगा ये करेगा, ये जो बोलेगी वो करेगा। हेलो, क्यों? क्यों? प्रेम है। दो साल के बाद कितना बोलें तो भी मानेगा नहीं, क्योंकि क्या हो गया? प्रेम नहीं है। प्रेम है तो वो जो कहेगा वो मानेगा। याद रखिए, हम परमेश्वर की आज्ञा क्यों मानते हैं? परमेश्वर से डरने के कारण नहीं होना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता क्यों मालूम है? डर के कारण। अरे भैया, ये वचन में लिखा नहीं करना, वो कर लिया तो क्या मिलेगा? हेलो, पिटाई मिलेगा। सॉरी, ये डर के कारण हम क्या करते हैं? उसको नहीं करता। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण, मानने का कारण, उनके प्रति भय नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके प्रति प्रेम के कारण होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर से डरने के कारण उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हेलो, परमेश्वर से डरने के कारण उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण उसकी आज्ञाओं को मानेगा, अंत तक आप उसकी आज्ञाओं को मानते ही रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, इसलिए उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। यदि परमेश्वर से प्रेम करता तो उसकी आज्ञाओं को मानते, और उसकी आज्ञाओं को मानता है तो तुम मेरी प्रतीति करते और मेरी बातों को भी मानते। 43वां पद,
मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। मैं पिता के नाम से आया इसलिए तुम लोग क्या नहीं करते हैं, मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अपने नाम से आए तो तुम लोग क्या करते हैं। यीशु मसीह और यूहन्ना के आने से पहले यहूदियों के बीच में कई लोग उठा है कि हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें रोमन सरकार के अधीन से क्या करेंगे, छुड़ा देंगे। वे सब अपने नाम में आया, उसमें से मकाबियर, ये जो बरब्बास जो था यीशु मसीह के समय छोड़ा गया, सब उस ग्रुप का था। वे सब अपने नाम में आए और लोग उसको क्या किया, ग्रहण किया। बरब्बास किसके नाम से आया था, परमेश्वर भेजा है क्या उसको, नहीं है, वो अपने नाम से आया, आकर बोला मैं तुमको क्या करेंगे, छुड़ाएंगे बोला। लोग उनको ग्रहण किया, उसका प्रमाण क्या है। हेलो, पिलातुस ने बोला यीशु को छोड़ देंगे, फसह का पर्व का समय है, एक कैदी यहूदी को छोड़ देता है, बोला नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए, हेलो बरब्बा चाहिए। क्यों बरब्बा चाहिए, बरब्बा अपने नाम में आया, तुम लोग उसको क्या किया है, ग्रहण किया। वैसे इससे पहले कई लोग आए अपने नाम में, यहूदी उन्हें स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक आया अर्थात नासरी यीशु, उसको तुम लोग क्या नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। 44वां पद, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। तुम लोग आदर चाहते हैं, कैसा आदर, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है वह नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है, यहूदी ये भयंकर आदर चाहने वाले लोग हैं, विशेष करके यहूदी अगुवे लोग हैं, कहीं भी जाए मेन कुर्सी उनको चाहिए, किसको मेन कुर्सी में बैठने के लिए भयंकर दौड़ होता है स्टेज में, कौन यहूदी, क्यों, क्योंकि उसमें बैठेगा तो लोग क्या करेगा, आदर करेगा। इसका मतलब यह, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का आदर करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से मिलता है वो तुम लोगों को नहीं चाहिए। हेलो, मनुष्य जो आदर करता है हमेशा नहीं रहेगा, आज आदर करने वाला मनुष्य कल तुम्हारा अनादर करेगा, लेकिन परमेश्वर की विशेषता, यदि वो तुम्हारी आदर करे तो अनंत काल तक आदर के योग्य रहेगा। इसलिए हम कभी मनुष्य की ओर से जो आदर है वो प्राप्त करने के बजाय एकमात्र परमेश्वर जो जिंदा खुदा है उसकी ओर से आदर पाने के लिए कोशिश करें। यहूदियों की सबसे बड़ी गलती यही था, वे एक मनुष्य से आपस में आदर पाना चाहा, परमेश्वर से आदर नहीं चाहा। परमेश्वर की विशेषता वाले एकमात्र परमेश्वर, इसका मतलब सच्चा परमेश्वर कितना है, एक है, उसके अलावा कोई सच्चा परमेश्वर है ही नहीं। वो यदि हमारी आदर करे, यदि वो हमारी आदर करे, निश्चित तौर पर हम आदर के पात्र रहेंगे, लेकिन वे उसकी आदर नहीं चाहे।
45वां पद, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तो पिता की ओर से आया, तुम लोग मुझे ग्रहण नहीं किया, इसलिए यह नहीं सोचो मैं तुम्हारे विरोध में परमेश्वर पिता के सामने क्या लगाएंगे, दोष लगाएंगे। मेरे से पहले दोष लगाने वाला है, कौन है वो? मूसा। क्यों? तुम लोग मुझे ग्रहण नहीं किया, लेकिन किसको ग्रहण किया है? मूसा को। यहूदी मूसा को उनके सबसे बड़ा अगुआ मानते हैं, सबसे बड़ा अगुआ। और ये कौन जानता है? यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए मुझे ग्रहण नहीं किया करके मैं पिता के सामने तुम्हारा दोष लगाऊंगा। मत सोचना, ऐसा मत डरो, लेकिन मुझसे पहले एक है जो तुम्हारे ऊपर क्या लगाएगा? दोष लगाएगा। कौन है वो? मूसा। क्यों? क्योंकि मूसा को तुम लोगों ने मूसा पर भरोसा रखा। मूसा पर भरोसा रखा मतलब मूसा ने जो कहा उस पर क्या किया? विश्वास किया। भरोसा है मूसा की व्यवस्था, मूसा के द्वारा दिए गए पंच ग्रंथ व्यवस्था में जो लिखा है वैसा की वैसा होगा, उस पर उनका क्या है? भरोसा है। तो बोला, तुम लोग उस पर भरोसा करने के कारण वो तुम पर दोष लगाएगा। क्यों दोष लगाएगा? तुम लोग उस पर भरोसा किया तो जरूर है, लेकिन उसने जो बोला उसको माना नहीं है। वो क्या बोला? क्योंकि यदि तुम मूसा के विश्वास, मूसा का यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। क्यों? इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। हेलो, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम लोग मुझको ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं पिता के सामने तुम्हारे विरोध में दोष लगाऊंगा। मत सोचना, लेकिन दूसरे एक व्यक्ति है तुम्हारे ऊपर दोष लगाएगा। कौन है वो? मूसा। क्यों? क्योंकि तुमने मूसा पर क्या कहा, क्या रखा? भरोसा रखा। उसने मेरे बारे में कहा। क्या मूसा यीशु मसीह के बारे में कहा है क्या? हेलो, मूसा यीशु मसीह के बारे में कहा है क्या? कहाँ कहाँ है? कहाँ लिखा है? व्यवस्थावरण, व्यवस्थावरण। हेलो, व्यवस्थावरण 18वां अध्याय 15वां पद, उसमें क्या बोला? मेरे बाद मेरे समान एक नबी को परमेश्वर तुम में से खड़ा करेंगे, उसकी सुनना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम लोग जो कहते हो कि हम मूसा पर भरोसा करते हैं, वो मूसा तुम पर दोष लगाएगा, क्योंकि उसने मेरे बारे में बोला था। क्या बोला था? मेरे सामान एक भविष्यदत्त, एक नबी को मैं परमेश्वर तुम्हारे बीच में से उठा देंगे, उसकी सुनना। तुम लोग उसकी मानता तो मुझे ग्रहण करता, इसलिए मैं दोष लगाने से पहले कौन दोष लगाएगा? मूसा तुम्हें, तुम्हारे ऊपर दोष लगाएगा। यीशु क्या कह रहे इन यहूदियों से जो मसीह को अपनाना नहीं चाहते? कह रहे हैं, तुम इस दंड से बच नहीं सकते, क्योंकि तुम पर दोष लगा चुका है, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा, अर्थात यीशु मसीह के विषय में मूसा ने लिखा था। 47वां पद, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? मूसा की लिखी हुई बातों पर क्या नहीं कर रहे? विश्वास कर रहे। मैं, हेलो, यदि उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करेगा तो मेरी बातों पर तुम कैसे
मैं तो कुछ लिखा नहीं। हेलो, यीशु मसीह कुछ लिखा है क्या? यीशु मसीह की विशेषता, यीशु मसीह कुछ नहीं लिखा, यीशु मसीह एक पुस्तक भी नहीं लिखा। लिखा है क्या? यीशु मसीह एक पुस्तक नहीं लिखा है तो भी उसके बारे में करोड़ों पुस्तक लिखा है, नहीं है क्या? यीशु मसीह एक भी पुस्तक नहीं लिखा लेकिन उसके बारे में करोड़ों पुस्तक लिखा है। यीशु मसीह यह बात कह रहा है, मूसा लिखा है उसको तुम यह क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो मैं तो कुछ लिखा नहीं, मैं तो केवल बोल रहा हूं, तो तुम लोग मुझे कैसे विश्वास करोगे? मूसा लिख कर रखा है तो भी तुम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं, मेरी बात तुम पर जो मेरी बोल रहा हूं उस पर तुम लोग कैसे विश्वास करोगे? यीशु को मालूम था यह आत्मिक अगवे लोग हैं, उन पर क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन चेतावनी दे रहे हैं, वह मूसा जिसने मेरे बारे में लिख कर रखा है ना, वह तुम पर दोष लगाएगा, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा था कि मेरी सुनना है, लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो, जिसके कारण तुम पर परमेश्वर का दंड आएगा, क्योंकि मूसा तुम पर क्या लगाएगा, दोष लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पांचवा अध्याय भी समाप्त हो गया। कौन सा अध्याय है? पांच अध्याय। पहला अध्याय में क्या है? पहला अध्याय का पहला भाग क्या है? वचन। आगे एक एक पद जाने में समय नहीं है। पहला कौन सा है? वचन। दूसरा खंड में क्या है? यूहन्ना जो गवाही देता है। तीसरा, हेलो, तीसरा खंड में क्या है? तीसरा खंड में वह अपनों के बीच में आया लेकिन वे लोग उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आगे लिखा वो देहधारी हुआ। आगे यूहन्ना उसके बारे में क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। आगे यूहन्ना गवाही देने वालों से पूछने के लिए कहां से आया? यरूशलेम से आया। क्या पूछा? तू कौन है? वो क्या बोला? मैं तो न मसीहा हूं, ना तो ये लिया हूं, ना तो वह भविष्यद्वक्ता हूं। तो फिर कौन है? ऐसे भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में कहा जंगल में पुकारने वाले का शब्द वो है। पहला दिन उसके बाद पूछा, ऐसा है तो तू ये काम क्यों कर रहे है? कौन सा काम? बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं? उत्तर दिया ही नहीं है। उसका उत्तर नहीं दिया। बोला मैं तो पानी में केवल बपतिस्मा देता हूं, मेरे पीछे एक आ रहा है वो क्या करेगा? आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। अगले दिन उसका उत्तर दे दिया। अगले दिन यीशु मसीह जा रहा था, ये यूहन्ना बोला, देख परमेश्वर के मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाते हैं। उसके बाद बोला वही मसीहा है। कैसे बोला? पिता ने बोला था जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने देखा इसके ऊपर क्या उतर आया था? पवित्र आत्मा उतर आया था, इसलिए उसने कहा कि वो परमेश्वर का मेमना है। दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या था? ये यूहन्ना अपने दो चेलों के साथ खड़ा था। कौन कौन है वो? अंद्रियास और यूहन्ना। ये यूहन्ना बोला, देख यही है परमेश्वर का मेमना। ये दोनों चेला उसको छोड़कर क्या हो गया? उसके पीछे भाग गया। भागने वालों के देखकर यीशु मसीह क्या बोलते, तू किसको ढूंढते हो? ये लोग क्या बोला? हम लोग किसी को नहीं ढूंढ रहे, जो ढूंढ रहा वो मिल गया है, बताओ तू कहाँ रहता है? यीशु क्या बोला? चलो देख ले। लेकर गया, उसके साथ बैठ गया, दिन भर बैठा। सुबह 10 बजे गया, दिन भर बैठा। क्या कर रहा था? अपने बारे में बातें कर रहा था। कौन सा दिन में? तीसरा दिन। चौथा दिन में क्या हुआ? ये यीशु मसीह किसको बुलाया? फिलिप्पुस को चेले के रूम में बुलाया। फिलिप्पुस जाकर किसको बुलाया? नाथनेल को बुलाकर लाया। इसका मतलब इसके बीच में एक बात हुआ था, ये अंद्रियास जाकर अपना भाई किसको लाया था? पतरस को लाया। यद्यपि वहां नहीं लिखा है तो भाई यूहन्ना भी जाकर अपना भाई किसको लाया था? याकूब को लाया था। अर्थात छह चेले यीशु का हो गया। ये चेलों के साथ दूसरा अध्याय में यीशु मसीह कहां पहुंच गया? काना के घर में, एक घर में शादी था। किसका घर था वो? लिखा है क्या? नहीं लिखा, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है। तो यीशु मसीह की माता मरियम की
बहन की शादी होगा, नहीं तो नतनेल की घर में विवाह होगा, किसी का भी हो विवाह तो हुआ वहां, वहां यीशु मसीह था, वहां यीशु मसीह पानी को क्या बदल दिया, दाखरस में बदल दिया। यह पहला आश्चर्य कर्म यीशु ने किया। उसके बाद कहां आकर रहा, कफरनहूम में आकर थोड़ी देर रहा, कुछ समय रहा। उसके बाद फसह का पर्व था, कहां, यरूशलेम में। कहां गया, यरूशलेम में गया, तो क्या कर दिया, मंदिर को शुद्धिकरण कर दिया। कैसे कर दिया, रस्सी का कोड़ा लगाया बैलों को है, और भेड़ बकरे को, सबको क्या कर दिया, भगाया। सर्राफों के भेजों को क्या कर दिया, उलट दिया। और कबूतर के बेचने वालों को बोला, इसको उड़ाऊंगा नहीं, ले जाओ, बोला। उसको प्रभु क्या नहीं किया है, उड़ाया नहीं है, बोला ले जाओ, बोला। उसके बाद बोला ये मेरा पिता का घर है, तो उसको क्या बर दिया, डाकुओं का खोखला बना दिया, डाकुओं का घर बना दिया। यीशु मसीह उस मंदिर को शुद्ध करता है। उसके बाद हेलो दूसरा अध्याय के अंत में है, यीशु मसीह पर वे लोग विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह उन पर क्या नहीं किया, क्यों, यीशु मसीह के बीच में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया था, यद्यपि वो वहां नहीं लिखा है, तो अभी वो आश्चर्य कर्म करने के कारण वे लोग उस पर क्या किया, विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह उन पर क्या नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह उनके हृदय को क्या करता था, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है आज मुझे बढ़ाने वाला, मुझे मेरा तारीफ करने वाला एक दिन बोलेगा, इसको क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ। ये यीशु मसीह को मालूम था, इसलिए यीशु उन पर विश्वास नहीं किया। दूसरा अध्याय समाप्त था। तीसरा अध्याय में निकोदिमुस नाम एक मनुष्य किसके पास आ रहा है, यीशु के पास। क्यों आया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा फसह का पर्व में किए गए आश्चर्य कर्मों को देखा था। क्या आश्चर्य कर्म है नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारा आश्चर्य कर्म किया था। यह देखकर यह जो निकोदिमुस समझ गया कि यह कौन है, परमेश्वर की ओर से आया। यीशु मसीह के पास आकर का त्याग कर कहता है, तो कहां से आया है, परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। ये सोचा मैं इतना बोलने से यीशु थोड़ा खुश हो जाएगा। यीशु ने बोला, सच सच कहता, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। ये अगुआ था, उसको समझ में नहीं आया। यीशु मसीह उनको समझाया किन किन बातों से, नया जन्म, दूसरा हवा, तीसरा सांप, जो पीतल का सांप जो जंगल में उठाया गया था, और चौथा ज्योति और अंधकार। यह कहकर यीशु उद्धार के विषय में उनको समझाया। वह तीसरा अध्याय के अंतिम भागों में क्या हो रहा है, योहन्ना का फिर से गवाही। योहन्ना के पास आकर यीशु मसीह का कंप्लेन कर दिया, वह 13 से ज्यादा चेलों को बना रहे हैं, तो आखिर में उसने क्या कहा, मैं घटूं वो बढ़े। तीसरा अध्याय, उसके बाद एक खंड में यीशु मसीह कौन है, उसका ईश्वरत्व, उसका पुत्रत्व, उसके बारे में कहते हैं। वह कौन कहा है यह नहीं मालूम, और सत्य वह स्वयं यूहन्ना जो लेखक है वह कहा होगा, नहीं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो ऊपर कह रहा था उसका कंटिन्यूशन होगा, नहीं तो कौन कहा होगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह का कहना होगा। तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। चौथा अध्याय में सामरी स्त्री को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उद्धार के अनुभव में ला रहे, सामरी स्त्री का उद्धार का अनुभव। तीसरा अध्याय में यहूदियों का अगवा, यहूदियों का वचन का जानने वाला एक शुद्ध व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति एक प्रकार से कह सकते हैं, उसका उद्धार के बारे में यदि देखते हैं, तो चौथा अध्याय में सामरी नगर में रहने वाली एक अशुद्ध स्त्री यीशु के द्वारा उद्धार पा रहे हैं। वह सामरी स्त्री यीशु को ग्रहण करती है, वह जाकर गांव वालों को बुलाकर लाते हैं। यीशु मसीह गांव वालों के कहने के अनुसार कितना दिन रहा है, 2 दिन इनके घर में रहा, या समरी उस सुखार गांव में रहा। आखिर में वहां के लोग क्या बोलता है, स्त्री के कारण यीशु पर विश्वास किया था, 2 दिन यीशु मसीह का सुनने के बाद ये लोग क्या कहते हैं, अब तेरे कारण में हम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने सीधा क्या कर लिया है, सुन लिया है और जान लिया है ये कौन है, जगत का उद्धार करता है। तो तीसरा और दूसरा या तीसरा और तीसरा और चौथा अध्यायों में हम क्या पा सकते हैं, हेलो, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां पद, यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं,
जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी का छोर तक मेरा गवाह होना चाहिए। अब यीशु मसीह फसह का पर्व मनाने के लिए कहाँ गया था? हेलो, कहाँ गया था? यरूशलेम। यरूशलेम से कहाँ आया? यहूदिया में आया। यहूदिया से जाना था कहाँ? गलील में। गलील में जाना था, इसलिए बीच से कहाँ पड़ा था? सामरिया। यीशु कहाँ आया? सामरिया में। कहाँ से? यरूशलेम से यहूदिया, यहूदिया से सामरिया। सामरिया आए में तो दो दिन वहाँ रहने के बाद सामरिया के लोग क्या कहते हैं? ये जगत का उद्धार करता है। प्रेतों का काम पहला अध्याय 8 पद है। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होना। यीशु मसीह ये काम वहां आरंभ किया है। ये बात कौन सा अध्याय में पाए जाते हैं? हेलो, सामरी स्त्री का उद्धार। सामरी स्त्री का उद्धार वहां हुई, उसका गांव का भी उद्धार हुआ उसी अध्याय में। 4 अध्याय के अंतिम भाग में एक बच्चा चंगा किया जा रहा है। कौन है वो? राज सेवक का, राज परिवार, राज में राज कर्मचारी का पुत्र यीशु मसीह। कहाँ है वो? गलील के काने में है। ये बच्चा कहाँ बीमार है? कफरनहूम में। कितना मील दूर है? 20 मील दूर है, किलोमीटर नहीं, 20 मील दूर है, 20 मील दूर है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा तेरा बच्चा क्या हो गया? चंगा हो गया। वो वहां क्या हो गए हैं? चंगे हो गए। यह है कौन सा अध्याय में? कौन सा अध्याय में? 4 अध्याय में। 5वां अध्याय में क्या है? यीशु मसीह का तीसरा आश्चर्य कर्म क्या है? बैतसैदे के कुंड के किनारे पड़ा हुआ 38 वर्ष से एक बीमार को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले से बीमार है वो। हेलो, यीशु मसीह का पैदा होने से पहले ये कुंड के किनारे पड़ा है कौन? कौन? ये 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति। यीशु यरूशलेम में पर्व में जा रहे थे। कौन सा पर्व है नहीं मालूम, औसत पुरीम पर्व हो, उस पर्व मनाने के लिए जा रहा था। वहां पाए जाने वाले कुंड के पास गया और इस व्यक्ति को क्या कर दिया? चंगा किया। चंगा किया कैसे? चंगा किया, पड़ा था। यीशु ने उसे पूछा तो क्या चंगा होना चाहता है क्या? उसने क्या बोला? उसने अपना सारी समस्या बताया। चंगा होना नहीं बोला, सारी समस्या बताया। आखिर में यीशु ने बोला उठो, खाट उठाओ, चलो। फिर वो क्या कर दिया? उठा, खाट उठाया, चला। लेकिन बाद में पता चला कौन सा दिन है वो? शब्बत का दिन है। यहूदी लोग उसको पकड़ा, तू आज कटिया उठाकर कैसे जा रहे है? क्योंकि आज क्या नहीं उठाना चाहिए? भार नहीं उठाना चाहिए। उसने क्या बोला? जिसने मुझे चंगा किया उसने बोला खाट उठाओ, इसलिए उठाया, मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा क्यों वो सब कैसा बोला? मान लो उसने बोला उठो, मैं तो उठ गया, चंगा तो हो गया। आगे बोला था खाट को उठाओ, नहीं उठाया तो वापस उसमें लिटा सकता है। इसके डर के कारण मैं उठा कर लेकर गया, इसलिए यहूदी उनको छोड़ दिया। लेकिन यीशु के पीछे पड़ गया, बोला तू शब्बत के दिन में ऐसा क्यों काम किया? तो यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, तो मतलब यीशु अपने आप को परमेश्वर कहा। ये यहूदियों को चिढ़ाया और यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचाया। तब से लेकर यीशु मसीह कौन है ये बात उनको समझाता रहा। पहला खंड में यीशु मसीह पुनरुत्थान अर्थात मरे हुओं को जिलाने वाला है कौन? प्रभु यीशु मसीह। 4 पुनरुत्थान कौन सा? पहला, हेलो, 5वां अध्याय में पाया जाने वाला 4 पुनरुत्थान कौन सा है? 24 पद से लेकर 28 पद तक पाया जाता है। पाला कौन सा है? पाप में मरा हुआ मनुष्य को मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कराने का काम, अर्थात वो पुनरुत्थान देने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कौन सा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह मरे वो में से जी उठेगा, ये ताकत उसमें, वो पुनरुत्थान का ताकत उसमें। तीसरा कौन सा है? उनके भक्त लोग उनको पुनरुत्थान देकर प्रतिफल देने का अधिकार वो किसके पास है? यीशु के पास है। चौथा कौन सा? सारे दुष्ट लोगों को पुनरुत्थान देकर उन्हें न्याय करने का अधिकार भी किसके पास है? यीशु के पास है। यीशु 4 पुनरुत्थान के बारे में वहां कहते हैं। उसके बाद यीशु अपने बारे में गवाही देने वाले 4 लोगों के बारे में कहते हैं।
यीशु के बारे में गवाही देने वाले चार लोग, पहला योहन्ना, दूसरा यीशु के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्म, तीसरा स्वयं पिता परमेश्वर, चौथा पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र चार गवाह जो यीशु को यीशु के बारे में कहता है कि वह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। हेलो, पांच अध्याय याद है, पांच अध्याय याद है क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा ही सीखना है। चलते फिरते पहला अध्याय से लेकर एक बार जाना, नहीं समझा? चलते फिरते पहला अध्याय में क्या लिखा है, उसका पहला खंड में क्या है, दूसरा खंड में क्या है, कुछ डाउट आ गया तो वापस आकर एक बार देखना वहां क्या लिखा है। ऐसा चार बार करेगा ना, कभी जिंदगी में योहन्ना रचित सुसमाचार नहीं भूलेगा। चलो, कौन सा खंड में क्या लिखा, वहां क्या क्या लिखा है, यह आपको ठीक से समझ में आएंगे। अब आ जाए छठवां अध्याय में, योहन्ना रचित सुसमाचार छह अध्याय, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समान पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियाँ ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियाँ भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने यह दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। या इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया। किन बातों के बाद? ऊपर जो बातें बोला उसके बाद। लेकिन याद रखना, 5 अध्याय में यीशु मसीह 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति जो बैतसैदे के कुंड के किनारे पड़ा था उसको चंगा करने के बाद यीशु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म ये 5,000 को खिलाना नहीं है। हेलो, यद्यपि योहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ उस व्यक्ति को यीशु चंगा करता है, उसके बाद 5,000 लोगों को खिलाने का जो आश्चर्य कर्म उसके बारे में लिखा है। लेकिन इसके बीच में यीशु मसीह बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय पहला पद से लेकर 9 अध्याय 10 पद तक जो बातें लिखा है वह इसके बीच में हुआ है। ये 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को चंगा करना और यह 5,000 लोगों को खिलाना, इसके बीच में हुई आश्चर्य कर्म है वो, उसमें हुई बातें हैं वो जो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय पहले से लेकर 9 अध्याय 10 पद तक लिखा है। और मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का पहला पद से लेकर 6 अध्याय का 30 पद तक, 3 से लेकर 6 तक जो मरकुस है वो भी इसके बीच में हुआ है। यह कुछ भी योहन्ना
नहीं लिखा। तो यूहन्ना जो आश्चर्य कर्म किया है, यूहन्ना जो आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया है, उसका उद्देश्य क्या है? यीशु कौन है, यह बातें सिखाना। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा एक एक आश्चर्य कर्म करने के बाद यीशु उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वह वहां लिखा है। हर आश्चर्य कर्म के बाद यह पाए जाते हैं। वैसा यीशु इन आश्चर्य कर्मों को, इन कामों को करने के बाद है। अब छठवां अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह गलील के झील अर्थात गन्नेसरत झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हौली। याद रखिए, ये 5000 लोगों को खिलाया जाना, ये चारों सुसमाचारों में पाए जाने वाला एक आश्चर्य कर्म है। चारों सुसमाचारों में पाए जाने वाला आश्चर्य कर्म। यूहन्ना के सुसमाचार में केवल 7 आश्चर्य कर्म लिखा है। उन 7 आश्चर्य कर्मों से 5 आश्चर्य कर्म ऐसा है केवल यूहन्ना लिखा है, और कोई नहीं लिखा। और 7 आश्चर्य कर्मों से केवल 2 ही है जो बाकी सुसमाचारों में पाए जाते हैं। उसमें से एक है कौन सा? 5000 को खिलाना। दूसरा यीशु का पानी पर चलना। लाजर का केवल यूहन्ना लिखा है, और कोई नहीं लिखा। 2 आश्चर्य कर्म ही है जो अन्य पुस्तकों में पाए जाते हैं। उसमें से 5000 लोगों को खिलाए जाना चारों सुसमाचार के लेखक लोग लिखा है, लेकिन यूहन्ना ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने आश्चर्य कर्म के द्वारा यीशु क्या सिखाना चाहता था वो बताया है। यीशु सिखाना चाहता था मैं जीवन का रोटी हूं। यीशु 5000 लोगों को खिलाने के बाद इस बात को कहता, मैं जीवन का रोटी हूं। अब एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। यीशु मसीह के पीछे भयंकर भीड़ है, भयंकर भीड़। क्यों? क्योंकि यीशु क्या करने लगा था? बहुत सारे आश्चर्य कर्म करने लगा, जिसका वर्णन यूहन्ना ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन कार्य यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के कारण बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लिया। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ पर चढ़कर बैठा था। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई के दिनों में 3 फसह का पर्व में शामिल हुआ। 3 फसह का पर्व यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया। बाइबल में कहां लिखा है? हेलो, यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया है। बाइबल में कहां लिखा है? किसी को याद है वो पद? हेलो, यीशु मसीह 3.5 साल पृथ्वी पर सेवा किया, वो पद कहां लिखा है? किसी को याद है क्या? मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसे एक पद है ही नहीं है। यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। तो फिर कैसे कहता है 3.5 साल यीशु मसीह सेवा किया है? चारों सुसमाचार जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा यीशु सेवा आरंभ करने के बाद 3 फसह का पर्व में शामिल हुआ है। 3 फसह का पर्व, उसमें तीसरा फसह का पर्व में यीशु मारे जा रहे हैं। ये तीनों फसह का पर्व का वर्णन स्वयं यूहन्ना कहता है। एक यीशु मसीह पहला यीशु मसीह यद्यपि हर साल फसह का पर्व में जाते हैं, लेकिन सेवा आरंभ करने के बाद जो फसह का पर्व में कब गया था? कहां लिखा है? 2 अध्याय में नहीं लिखा है। वह पहला फसह का पर्व में जाकर यीशु मसीह काम किया। कौन सा काम किया? हेलो, कौन सा काम किया? शुद्धिकरण का काम किया।
शुद्धिकरण का काम किया। दूसरा ये फसह का पर्व है जो आ रहे हैं, फसह का पर्व निकटता। तीसरा कौन सा है? हेलो, तीसरा कौन सा है? तीसरा जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसी सप्ताह में होने वाली फसह का पर्व। उसमें यीशु जब वो नगर में प्रवेश कर रहे हैं, उस नगर में प्रवेश करता है, उसके लिए जय जयकार की नारे लगाए जा रहे हैं उनके लिए, वैसे वो प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा फसह का पर्व, उसमें वो मारे जा रहे हैं। तो 3.5 साल, 3 फसह मतलब 3 साल की सेवा। अब इससे पहले 6 महीने से पहले सेवा आरंभ करने के बाद ही यीशु पहला फसह में गया है। मेरी बात को समझ रहे क्या? यीशु मसीह पहला फसह का पर्व में जाने से पहले ही वह सेवा आरंभ कर चुका है। सेवा आरंभ करके कम से कम जो कार्य आश्चर्य कर, चारों सुसमाचारों को एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको यह मालूम होगा, यह गणना उसमें ही आपको समझ में आएंगे, एक ही पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। चारों सुसमाचारों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा यीशु मसीह पहला फसह पर्व में सेवा आरंभ करने के बाद पहला फसह का पर्व में जाने से पहले कम से कम 6 महीना अपना काम किया था। यह सब मिलाकर यीशु मसीह कितना साल सेवा किया है? 3.5 साल। अन्यथा बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा है यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया है। अब यह फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। अब समस्या, बड़ा भीड़ है, भीड़ पूरा कौन सा है? भूखा है, वह सब भूखा है। बाकी सुसमाचारों जहाँ यह 5,000 को खिलाए जाने के बारे में लिखा है उन सब की बातों को पढ़ें तो यह समस्या का हल करना है। अब सब तो भूखा है तो समस्या हल करने के लिए उसमें कई विचार आया। यीशु मसीह के चेलों में से कई लोग कई विचार बताए। पहला विचार यह था, पहला विचार वो इसमें अली लिखा है, दूसरा सुसमाचार लिखा है, यीशु मसीह के चेले बोला सबको अपना अपना घर भेजो। हेलो, यह परेशानी है, यह जो समस्या का निराकरण के लिए पहला ऑप्शन क्या है? इन सबको क्या कर दो? अपना अपना घर भेजो ताकि अपना अपना घर जाकर क्या करें? खाएं। ईश्वर ने बोला वो तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ है, वे वाहन तक नहीं पहुंचेगा, बीच में क्या हो सकता है? बेहोश होकर गिर सकता है। तो पहला ऑप्शन फेल हो गया। पहला परामर्श वो था कि सबको क्या कर दे? अपने अपने घर में भेजे। सॉरी, दूसरा ऑप्शन वो फिलिप्पुस का था। फिलिप्पुस से यीशु मसीह एक एक परामर्श पूछा, हम क्या करें? इतने लोगों को क्या कर देना है? खिलाना है तुरंत। गणित जानने वाला यह फिलिप्पुस एक गणित कर लिया। गणित करके क्या बोला? इतने लोगों को खिलाने के लिए पूरा पेट नहीं भरेगा, थोड़ा थोड़ा खिलाना है तो भी कम से कम कितना चाहिए? 200 दीनार। 200 दीनार मतलब क्या होता है? 200 दीनार मतलब एक आदमी का 1 साल का तंगा। हेलो, एक आदमी 1 साल काम करने से जो तंगा मिलता है वो है कौन सा? 200 दीनार। उतने में भी क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। ये सवाल कौन पूछा? यीशु मसीह पूछा। किससे? किससे? फिलिप्पुस से। तो यीशु क्यों पूछा? वहां लिखा है यीशु फिलिप्पुस को परखने के लिए किया था। क्यों यीशु ऐसा किया?
लिखा है, यीशु को मालूम है यीशु क्या करने वाला है, वो यीशु को मालूम लिखा है, वो क्या करने जा रहे हैं वो किसको मालूम है, यीशु को मालूम है। तो अभी फिलिप्पुस से पूछा, हम इनको खाना खिलाएं कैसे खिलाएं, क्यों पूछा? ये फिलिप्पुस यीशु के पीछे होकर बहुत साल हो गया, हेलो, कम से कम 2 साल होने वाला है, किसके पीछे चल रहा है, यीशु के पीछे। यीशु स्वयं बुलाया किसको, ये फिलिप्पुस को नहीं है क्या? बाकी अंद्रियास और यूहन्ना वो कब कैसे आया? यूहन्ना बोला वो उधर जा रहा है, कौन? परमेश्वर का मेमना, तब आया था। और पतरस को कौन लाया? अंद्रियास लाया। और याकूब को कौन लाया? यूहन्ना। लेकिन ये फिलिप्पुस, इसको यीशु क्या किया था? सीधा बुलाया था। और वो फिलिप्पुस तब से यीशु के पीछे है, और यीशु उनसे कह रहे हैं इसको खाना खिला, क्या करें? लिखा उसको परखने के लिए किया था। क्या परखने के लिए था? यीशु फिलिप्पुस को परख रहा था, इतना साल मेरे साथ चलने के कारण, इतनी आश्चर्य कर्म जो मैंने किया है उसको देखने के बावजूद है, इसके अंदर इतने लोगों को खाना खिलाने की ताकत मुझ में है, इस पर ये विश्वास करता है या नहीं, ये जानने के लिए था। लेकिन वो टेस्ट में फिलिप्पुस को 0 मिला है। हेलो, क्या मिला? क्योंकि अब यीशु पूछा, फिलिप्पुस अपना गणित करने लगा, गणित में माहिर है, नहीं तो इतना भीड़ में, इतना भीड़ को देखना, और कितना भीड़ है, एक दो तीन करके गिना नहीं है, तो गिन सकता है क्या? क्योंकि पुरुष लोग कितना है, 5,000, इसका अंदाज में उसको लगा इतना लोग है, और उतने लोगों को रोटी चाहिए तो कितना चाहिए पैसा, वो भी क्या कर लिया है, गणित करके बता दिया, कम से कम कितना चाहिए, 200 दीनार चाहिए। 200 दीनार मतलब एक मनुष्य का एक साल की वेतन है या तंगा है, वो उतना चाहिए। यीशु उनको परखने के लिए किया, बोला था। 7, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए, पूरा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? थोड़ी थोड़ी मिलेगा। 8 उसके चेलों में से शमोन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? 3 परामर्श किसकी ओर से आया? हेलो, अंद्रियास की ओर से। उसने, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये तो माहिर है लोगों को लाने में, नहीं है? ये अपना भाई को भी क्या कर दिया था, लाया था। अब ये समझ में नहीं आ रहे, हजारों का भीड़ है, पुरुष कितना है? 5,000 है। बच्चे है क्या? है क्या? रोटी किसके पास था? बच्चे है तो कौन भी रहेगा, माँ पक्का रहेगा, नहीं है क्या? इसका मतलब हजारों का भीड़ है, कम से कम 15,000 है, कम से कम 25,000 भी हो सकता है। एक गणित के अनुसार 5,000 पुरुष है तो 5,000 स्त्रियां है, नहीं है? नहीं है तो कितना हो गया? 10 हो गया। एवरेज 3 माँ ने, जमाना वही है, हेलो, जमाना वही है, उसमें 3 नहीं है, 10 तो हाँ है बराबर, नहीं है? याकूब का कितना था, नहीं है क्या? तो मान लो एवरेज 3 था, तो अभी बच्चे कितने हैं, कितने हैं, हेलो, कितना हो गया? 15, इसका 15 और 10 कितना हो गया? 25,000। कुछ भी क्यों ना हो, इतने लोगों में एक लड़के के पास ये रोटी और मछली है, ये कैसे ढूंढ लिया भाई? कौन? ये अंद्रियास, ये है आश्चर्य कर्म, नहीं है? ये भी एक
आश्चर्य कर्म है कि उसने इतने लोगों के बीच में एक बच्चे के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली उसको क्या कर लिया, ढूंढ लिया। और ये बच्चे दूसरा सुसमाचारों को पढ़े तो आपको मालूम है 3 दिन से ये लोग किसके पास, किसके साथ है? यीशु मसीह के पास है। रोटी किसके पास है? ये बच्चे रोटी को क्यों नहीं खाया? हेलो, ये बच्चा रोटी नहीं खाया कितना दिन हो गया? भूख नहीं लगा है क्या? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बोलने वाला थॉमस मामन नहीं था। बोलने वाला कौन था? यीशु मसीह था। उसकी होठों से गिरने वाला शब्द बुजुर्गों को ही नहीं बच्चों को भी मोहित करता था। वो भोजन करना भी भूल जाते थे। उसका वजन आगे भी पाए जाते हैं। मैंने कहा था यहूदियों के नेता लोग कुछ सिपाहियों को भेजा, किसको पकड़ कर लाने के लिए? यीशु मसीह को अरेस्ट करके लाने के लिए भेजा। वे लोग गया, यीशु मसीह का भाषण सुना, खाली हाथ वापस गया। सन्नद्रे संघ के लोग पूछा, उसको पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, वो कहाँ है? तो ये लोग क्या बोलता है? वो जैसा बोलता है आज तक कोई नहीं बोला। इसका मतलब यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द में इतना ताकत था। यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए आए हुए उन लोगों को यीशु ने अरेस्ट कर लिया है। यीशु के शब्द में, यीशु के भाषण में, उनके उनकी उनकी बातों में इतनी मधुरता था। यह बच्चा 3 दिन होने के बावजूद भोजन करना भूल गया। अब अंद्रियास इस बच्चे के पास गया। याद रखना, बच्चा है, 3 दिन से क्या है? भूखा है। तो एक प्रकार से अंद्रियास का जितना तारीफ करना चाहिए उससे ज्यादा बच्चे का तारीफ करना चाहिए। यह बच्चा क्या कर दिया है? हेलो, किसके हाथ में दिया? अंद्रियास के हाथ में दिया। क्यों दिया? एक प्रकार से फिलिप्पुस से ज्यादा विश्वास यह बच्चे में था। हेलो, फिलिप्पुस से यीशु ने पूछा इतने लोगों को खाना खिलाना, उसने क्या करने लगा? गणित करने लगा। लेकिन यह बच्चा अपना रोटी अंद्रियास के हाथ में दिया, उसको यकीन था ये रोटी यीशु के पास पहुंचे तो आश्चर्य कर्म जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा जो अपने पास था अंद्रियास के हाथ में दिया। अंद्रियास यीशु के पास ले जाकर कहता है 5 रोटी है और 2 मछली है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। हेलो, इतने लोगों के लिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहला अभिप्राय क्या था? हेलो, सबको अपना अपना घर भेजो। दूसरा अभिप्राय क्या था? गणित करने वाला फिलिप्पुस क्या बोला? थोड़ा थोड़ा चाहिए तो भी कितना चाहिए? 200 दिनार। तीसरा व्यक्ति कौन? कौन? अंद्रियास। अंद्रियास ये रोटी यीशु के पास लाया है, वो बच्चे से लेकर। लेकिन उनका भी अभिप्राय क्या है? इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चौथा कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु। वो यीशु अपने हाथों में ये रोटी लिया, तब वहां आश्चर्य कर्म होता है। या 8 पद, उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। यीशु मसीह उस रोटियों को अपने हाथ में लेने के बाद कहा, लोगों को क्या कर दो? बिठा दो। लोगों को बिठा दो, घास है वहां पूरा। और दूसरा सुसमाचार में लिखा 50-50 और 100-100 करके पांती पांती बिठाओ, लाइन बाय लाइन।
हेलो, क्या बोला? लाइन बाय लाइन बैठो। इसका मतलब खाना खाने के लिए भी एक लाइन होना चाहिए, है? अरे 5,000 लोग हैं, देने से नहीं होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक से खाना है तो ठीक से बैठना चाहिए। नहीं समझा? ठीक से खाना है तो ठीक से बैठना चाहिए। और यीशु मसीह ने बोला सबको क्या करो, सबको घास के ऊपर बिठा दो। अब देखिए, जब यीशु ने यह बोला ना, तब विश्वास थोड़ा बढ़ने लगा। किसका? किसका? चेलों का भी बढ़ा, भीड़ का भी बढ़ा। क्यों? जब यीशु चेलों को बोला बिठाओ, ये लोग बिठाने के लिए गया। क्यों गया? क्योंकि उनको मालूम है कुछ होने वाला है। और लोग बैठ गया। क्यों बैठ गया? उनको भी मालूम है कुछ आश्चर्य कर्म होने वाला। हुआ नहीं अभी तक? हुआ है क्या? नहीं है। रोटी अभी भी किसके पास है? यीशु के पास है। यीशु चेलों को बोला क्या कर दो, बिठा दो। वे लोग बिठाने के लिए गया क्योंकि विश्वास जागा है। और भीड़ बैठ गया क्योंकि भीड़ को भी विश्वास है, यह रोटी जो उसके हाथ में हुआ है, यदि उसके हाथ में वो पहुंचा है, निश्चित तौर पर उसमें आश्चर्य कर्म हो सकता है। और उन्हें उनको बिठा दिया, वे बैठ गए। 11वां पद, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। यीशु अपने हाथों में क्या लिया? रोटी लिया। और क्या दिया? हेलो, धन्यवाद दिया। किसको दिया? परमेश्वर को। हेलो, इसका मतलब खाने से पहले क्या देना चाहिए? हाँ, धन्यवाद दिए बिना क्या नहीं करना चाहिए? हैं? धन्यवाद दिए बिना क्या नहीं करना चाहिए? खाना नहीं चाहिए। क्यों? खाना भोजन वस्तुओं के लिए क्यों प्रार्थना करना है? एक जो भोजन वस्तु आपको हासिल होने की ताकत किसने दिया है? परमेश्वर दिया। यह खाने की शरीर में ताकत किसने दिया? परमेश्वर दिया। दूसरे एक कारण है, ये भोजन वस्तु कहाँ से है? संसार से, पृथ्वी से। ये पृथ्वी किसके अधीन में है? शैतान के अधीन में। इसलिए उसमें क्या हो सकता है? उसका प्रभाव हो सकता है। उसको शुद्धिकरण के लिए, उसके लिए क्या देना जरूरी है? धन्यवाद जरूरी है। धन्यवाद दिए बिना क्या नहीं होना चाहिए? मैं धन्यवाद दिए बिना खाना खाने वाला कौन है? एक बार मैंने कहा था, एक घर में एक मेहमान आया, डाइनिंग टेबल में बैठा, खाना परोस लिया। अब वो घर के लोग प्रार्थना करके ही खाना खाते हैं, तो मेहमान जो आया वो प्रार्थना किए बिना क्या किया? हैं? खाना खाया। तो घर में एक छोटा लड़का था, उसने बोला हमारा घर में भी एक है, खाने से पहले प्रार्थना नहीं करता। क्या बोला? हमारा घर में भी एक है, खाने से पहले प्रार्थना नहीं करता। तो जो प्रार्थना किए बिना जो खाया है, उसने बेटे से पूछा कौन है बेटा वो? उसने बोला वो हमारा कुत्ता है। बच्चे का बोलने का अर्थ क्या है? ये मेहमान, तुम और हमारे कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। यीशु जो रोटी अपने हाथ में लिया और क्या किया? उसका धन्यवाद किया। भोजन वस्तु, इसराइली लोग जब कभी भोज करता है, भोजन के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करके जाते थे। उनका भोज का नियम था वो, उसके बाद धन्यवाद का गीत गाने के बाद ही वे जाते थे। यीशु रोटी अपने हाथों में लिया और धन्यवाद करके उनको बांट दिया। दूसरे सुसमाचारों में जब आप पढ़ेंगे, यहाँ केवल बांट दिया लिखा है, दूसरे लिखा है यीशु ने रोटी
तोड़ दिया और उसके बाद उनको क्या कर दिया, बांट दिया, तोड़ दिया, बांट दिया। यीशु क्यों तोड़ा? इसमें एक आत्मिक संदेश है। शायद एक संडे मैं इस विषय पर कहा था, रोटी तोड़ा जाना हमारे जीवन में आने वाले क्लेशों को, परेशानियों को, कष्टों को दर्शाता है। कई बार जब हम तोड़े जाते हैं लगता है कि मुझे क्यों तोड़ता है और यह तोड़े जाने की अनुमति परमेश्वर क्यों देता है। लेकिन याद रखना, यदि यीशु के हाथ में होने के बावजूद है आप तोड़े जा रहे हैं तो आगे आप अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई परमेश्वर के द्वारा अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराए गए हैं वे सब के सब तोड़े गए लोग हैं। अनेक कष्टों से होकर, परेशानियों से होकर, क्लेशों से होकर गुजरे हैं। यदि आप अन्य लोगों से बढ़कर यदि तोड़े जा रहे हैं तो याद रखना आने वाले दिनों में अन्य लोगों से बढ़कर आप अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। यीशु रोटी अपने हाथ में लिया और उसको तोड़ा और उसको बांटने के लिए कह दिया। वे उसको बांट दिए और जब बांट दिए तो वह सबके सब खा लिए। लिखा है पुरुष लोग ही केवल कितने थे, 5,000 के लगभग थे। जब एक 12वां पद, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। आता उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। यीशु ने कहा अब तो भीड़ भयंकर है। हेलो, भीड़ भयंकर है। सबको बिठाया, सबको देता गया, ये रोटी क्या होता गया, बढ़ता गया। जितना दे रहे उतना बढ़ते जा रहे हैं, जितना दे रहे उतना बढ़ते जा रहे हैं। अब सब खाकर तृप्त हो गया लेकिन यीशु ने देखा रोटी बाकी बचा है। यीशु ने बोला एक भी फेंकना नहीं, सबको क्या करो, बटोर लो। वह कितना निकला है, 12 टोकरियां। क्यों 12, क्यों 12, क्यों 11 हुआ, क्यों 11 नहीं हुआ और 13 भी नहीं हुआ, 12 क्यों? एक प्रकार से यीशु अपने चेले जो उनका 12 है उनको समझा रहा था यदि तुम मेरा चेला है तुम्हारी जरूरतें मैं पूरा करूंगा। एक एक टोकरे, बाकी सबको पेट भरकर मिला। हेलो, भीड़ था, उनको कितना मिला, पेट भर के खाने के लिए। इन लोग पेट भर कर खाया भी है एक एक। प्रेज द लॉर्ड। यही है यीशु के पीछे चलने का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का चेला बनने से अनुग्रह यही है। अन्य लोग केवल तृप्त हो जाएंगे, तुम तृप्त भी किया जाएगा, बाकी भी तुम्हारे लिए रहेगा। ये यीशु उनको समझाने के लिए या आश्चर्य कर्म उनके सामने किया, उनसे कहा इसको बटोर लो। जब बटोरा तो वो 12 टोकरियां पाई गई। या तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया है उसे वे लोग देख कर कहने लगे वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु जब यह आश्चर्य कर्म किया तब वो भीड़ का रहा है, वो जो भविष्यद्वक्ता जगत में आने वाला था वो कौन है, यही है। क्यों? क्योंकि इसने क्या दिखा, खिलाया है, रोटी खिलाया। क्यों वे लोग ऐसा कहा, वो भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में कहा है कि वह जगत में आने वाला वो यह है, क्यों है? यही यहूदी रबी लोग, यहूदियों को या उनके लोगों को यह सिखाया करता था जब मसीहा आएंगे तब हमारी बाप दादाओं के लिए
जंगल में जैसा मन्ना गिराकर उनके लिए भोजन की व्यवस्था किया, वैसा जब हमारा मसीहा आएंगे तब हमको भी ऐसा ही खिलाएगा। कहां से? स्वर्ग से मन्ना गिराकर हमको खिलाएगा। ये यहूदी रबी लोग उनको सिखाता था। अब स्वर्ग से आया नहीं तो भी कहां से आया? पृथ्वी से आया। पांच रोटी कितने में बदल गया? हजारों में बदल गया। तब उनको रबियों के द्वारा कही गई बात स्मरण आया कि मसीहा आएगा तो हमारी भोजन की व्यवस्था करेगा। यहूदी रबी यही सिखाता था कि मसीह आने के बाद अपना राज्य स्थापित करने के बाद हमको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसराइलियों के बाप दादाओं के लिए जैसा जंगल में मन्ना गिराया, हर दिन हमको स्वर्ग से क्या गिरता रहेगा? हेलो, रोटी गिरता रहेगा। ये उनको सिखाया करता था, जिसके कारण यीशु मसीह इनके भूख मिटाने के लिए यह रोटी खिलाया। अब कह रहे हैं ये वही है कौन जिस भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा था कि वह जगत में आने वाला है, वह यही है। ये यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया? क्योंकि यीशु उनकी भौतिक जरूरत को पूरा किया, इसलिए वे उन पर विश्वास किया। 15वां पद, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चले गया। हेलो, यह भीड़ खाना खाने के बाद किसको पकड़ने आया है? यीशु मसीह को। किस लिए पकड़े? इसको क्या बनाए? क्या बनाए? क्यों? यह तो राजा बन गया तो सुबह दोपहर शाम रोटी ही। हेलो, जो चाहिए ये हमको खिलाएगा। मतलब कोई काम करने की जरूरत है नहीं है। यह राजा बन गया तो क्या कमी है? फिर पांच रोटी मिल गया तो हजारों को खिलाया, तो इसको पकड़ के जल्दी राजा बनाओ ताकि हर दिन क्या मिले? रोटी मिले। यही था उनका उद्देश्य। आज भी कई लोग यीशु को राजा बनाकर रखा है। उद्देश्य क्या है? खाने के लिए कुछ है? मिले, मतलब आर्थिक आशीषों के लिए यीशु के पीछे। कई लोग यीशु के पीछे चलने का उद्देश्य ही वही है। क्या चाहिए? आर्थिक आशीष, चंगाई चाहिए। यह नहीं चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं, चंगाई चाहिए। चंगाई मिल गया और बच्चों का पढ़ाई, उसके लिए प्रार्थना, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, शादी हो गया तो उसका बच्चा हो जाए। हेलो, और बच्चा हो गया तो फिर उसके लिए प्रार्थना। हेलो, उनको यीशु नहीं चाहिए, उनको केवल यीशु के द्वारा दी जाने वाली आशीष चाहिए। आप खतरे में हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आश्चर्य कर्म क्यों करता है? यह जरूर है कि आपकी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन यीशु के द्वारा किए जाने वाली आश्चर्य कर्मों के पीछे की मुख्य वजह यही है, आप यीशु को जाने। Praise the Lord। हम यीशु के पीछे क्यों जा रहे हो? हम यीशु की आराधना क्यों करते हो? हम यीशु की महिमा क्यों करते हो? उससे मिलने वाली आर्थिक आशीषों के लिए केवल है तो हम मन फिराए। हम यीशु के पीछे जाने का मुख्य उद्देश्य और कुछ नहीं होना चाहिए। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं अपना प्रेम उनके सामने प्रकट करे, इसलिए मैं उसके पीछे जाऊंगा। वो कुछ दे
या ना दे। प्रेज द लॉर्ड। वह कुछ दे या ना दे, मैं एक ही काम करूंगा, उसके पीछे जाएंगे। लेकिन यह है, इसी मनसा के साथ उसके पीछे जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु से प्रेम करने के कारण यदि आप उसके पीछे जाए, वह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हेलो, सारी सारी जरूरत है, जो कुछ मांगे वो नहीं मिलेगा। हेलो, कई लोग यीशु मसीह के एटीएम मशीन बना कर रखा है, बटन दबा दो निकल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं है। यीशु से मुलाकात करने का या यीशु की आराधना करने का, यीशु की स्तुति करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। वो हमें उद्धार दिया है, हम नरक का लायक था, उसने हमें नरक से बचाया, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। ये अनुग्रह को जो सबसे अनुग्रह उसने हमें दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद देना, उसके लिए उसके पीछे जाने वाले हो जाए, तब हमारा जीवन आशीष में रहेगा। यीशु यह आश्चर्य कर्म जब किया, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किया, तब वे लोग यीशु मसीह को पकड़कर राजा बनाना चाहा, ये जानकर यीशु वहां से चले गया। कहां चले गया? यीशु मसीह पहाड़ पर अकेला चले गए। आगे पढ़िए 16 पद से। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। या जब वे लोग यीशु मसीह को पकड़कर राजा बनाना चाहते थे, यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए। उसके बाद जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। यीशु मसीह के चेले कफरनहूम को गया, यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। यीशु मसीह कहाँ है? पहाड़ पर है। यीशु मसीह पहाड़ पर है, उनके चेले लोग उस किनारे पाए जाने वाली एक नाव में चढ़कर कहाँ चले गया? कहाँ चले गया? कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया, क्योंकि संध्या हो गई थी और अंधेरा हो गया, और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। इसका मतलब यीशु अभी भी कहाँ पर है? पहाड़ पर है। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। यीशु पानी के ऊपर चलते हुए इनके पास आ रहे हैं। जब अन्य भागों को हम देख रहे हैं, इनको भेजने वाला कौन था? यीशु था। यीशु ने कहा था उस पार जाओ, उनके कहने पर वे गए थे। वे जब जा रहे थे उस झील में आंधी उठी और लहरें उठा और वे नाव खेते खेते थक गया और लगा कि वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब वे देखा पानी के ऊपर चलते हुए एक आ रहे हैं। यद्यपि वो यीशु है करके उनको पहले समझ में नहीं आया, लेकिन यीशु को देखकर वे क्या हो गए? डर गए। यीशु को देखकर वे क्या हो गए? डर गए, क्योंकि वे मृत्यु का भय में हैं। अब उनको लगा उनको डुबाने के लिए और कोई आ रहा है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है? वो पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं। यीशु ने जाना वे डरे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मत
आते देखा और डर गए, परंतु उसने उसके पास आकर कहा, मैं हूं, डरो मत। क्या बोला? मैं हूं, डरो मत। मैं हूं शब्द सुनते ही वे पहचान लिए ये कौन है, ये कौन है? यीशु है। यीशु क्यों बोला मैं हूं? मैंने कल के क्लास में कहा था, मैं हूं यीशु मसीह 7 बार योहन्ना रिष्ट समाचार में कहा। मैं हूं किसका नाम है? किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है। मूसा परमेश्वर से पूछा, यदि फिरौन पूछे तो हम क्या कहें, हमको किसने भेजा है? मूसा को परमेश्वर ने बोला, मैं जो हूं सो हूं। मैं हूं जो है उसमें यीशु का ईश्वरत्व प्रकट होता है, यीशु मसीह का ईश्वरत्व। जब यीशु ने पानी के ऊपर चलते हुए आकर कहा, मैं हूं डरो मत, उस मैं हूं शब्द में यह ताकत था। वो आंधी धम गई। मैंने कहा था यीशु मैं हूं जो का उसमें ईश्वर तो कैसे है? यीशु मसीह जब गदर से मैंने बगीच में पकड़वाए जा रहे थे, यीशु को पकड़ने के जो लोग आए तो उसको देखकर यीशु ने पूछा, तुम लोग किसको ढूंढते हो? वे कहा, नासरी यीशु को। तब यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? मैं हूं। तो हुआ क्या है? यीशु जब मैं हूं कहा, पकड़ने के लिए जो आया वह क्या हो गया? नीचे गिर गया। यीशु गिराया नहीं है, यीशु गिरने के लिए बोला भी नहीं है। यीशु केवल क्या बोला? मैं हूं। यह शब्द में इतना ताकत था, वो उसके ईश्वरत्व की शब्द था, जो मैं हूं सो हूं, उसकी महिमा में वो शब्द था जिसके कारण वे गिर गए हैं। यहां भी यीशु चेलों को देखकर कहते हैं, मैं हूं डरो मत। आंधी क्या हो गया? धम गया। आगे लिखा है यीशु, वे यीशु को, अतः वे उस नाव पर चढ़ा लेने को लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। यीशु जब वह पानी के ऊपर चलकर आया, वे लोग किनारे नहीं पहुंचा था। हेलो, यीशु मसीह के चेले किनारे नहीं पहुंचा। कहां था वो? कहां था? बीच में ही था, डूबने वाला था। लेकिन ये लोग यीशु को उसमें चढ़ाना चाहा, देखा तो कहां पहुंच गया। हेलो, क्षण भर में यीशु और उनके चेले कहां पहुंच गया? किनारे, किनारे। इसका मतलब वहां यीशु अपनी महिमा प्रकट किया। क्षण भर में झील के बीच में पाए जाने वाले अपने चेलों को और उसके नाव को और कहां पहुंचा दिया है? किनारे। यीशु को नाव पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। यदि यीशु हमारे जीवन में है, हमारी परिस्थिति क्षण भर में बदल सकता है। एक क्षण पहले वे झील के बीच में है, डूबने वाले थे, लेकिन यीशु जब उनके पास आया, एक ही क्षण में वे कहां पहुंच गए हैं? किनारे पहुंच गए। यदि यीशु हमारे नाव में है और यीशु हमारे साथ है, क्षण भर में भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो सकता है। वह यीशु जिसने अपने चेलों के लिए उस कफरनहूम की उस जगह पर, उस गन्नसरेत झील में, उस गलील की झील में आश्चर्य कर्म किया, वो यीशु आज भी हमारे लिए जीवित है। वो हमारे लिए भी आज रात्रि भी क्षण भर में अपनी महिमा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो यीशु जीवित है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें।